हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, उसका जो यूनिट थर्ड है जिसमें हम रिंग्स के अंतर्गत यानी कि रिंग थ्योरी के अंतर्गत हम पॉलीनोमियल रिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में यह बात कर लिया है कि पॉलीनोमियल रिंग ओवर आर क्या होता है, यह कम्यूटेटिव रिंग कब फॉर्म करता है, इसके पास यूनिटी कब एग्जिस्ट करता है, और साथ ही साथ हमने यह भी समझ लिया है कि इंटीग्रल डोमेन कब बनता है। तो अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखें तो आई बटन पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि पॉलीनोमियल रिंग ओवर ए फील्ड एफ क्या होता है, इसको हम पूरा डिटेल से समझेंगे। इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम पर भी बात करेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब आप लोग अपने कॉपी में बीच में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, रिंग ऑफ पॉलीनोमियल्स, ठीक है, पॉलीनोमियल्स ओवर ए फील्ड, ठीक है। अब हम क्या बात करने वाले हैं, एक फील्ड एफ पर अपने रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि पॉलीनोमियल रिंग होने वाला है, ठीक है। अभी तक हम एक रिंग आर पर बात कर रहे थे, अब जब रिंग आर पर हमने बात कर लिया, इंटीग्रल डोमेन पर बात कर लिया, तो अब फील्ड एफ पर भी बातें कर लिया जाए, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए हम क्या क्या करने वाले हैं। सपोज कर लेते हैं, लेट एफ बी अ फील्ड, ठीक है, हमारे पास क्या है, एफ एक फील्ड है। देन तब इस सिचुएशन में हमारे पास एक सेट एग्जिस्ट कर रहा है, देन दी सेट, ठीक है, देन दी सेट एफ ऑफ एक्स, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, इज आ, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, एफ एक्स इज दिस सेट, ठीक है, देन दिस सेट, दिस इज अ पॉलीनोमियल, ठीक है, पॉलीनोमियल, ओके, पॉलीनोमियल इन एक्स, ठीक है, यह एक्स में पॉलीनोमियल है, ठीक है, इन एक्स, इन द फॉर्म, ठीक है, इन द फॉर्म, हम कुछ इस फॉर्म में क्या ले रहे हैं, इस पॉलीनोमियल को लेने वाले हैं। तो कैसे फॉर्म में हम लेने वाले हैं, कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यह कुछ इस प्रकार से है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस हमारे पास मिल रहा है ए एन या फिर ए एम भी लिया जा सकता है, चलो nth टर्म है तो इसलिए n ही ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी हो जाएगा एंड प्लस सो ऑन हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, एक पॉलीनोमियल को लिया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हियर, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास जितने भी कॉफिशियंट्स हैं, यानी कि ऑल ऑफ द कॉफिशियंट्स, ठीक है, ऑल ऑफ द कॉफिशियंट्स, जितने भी हमारे पास कॉफिशियंट्स हैं जो कि ए नॉट हैं, ए वन है, ए टू है, एंड सो ऑन, हमारे पास क्या है, ए एन है, ठीक है। तो ये सभी के सभी हमारे किससे बिलोंग करेंगे, ये हमारे फील्ड एफ के एलिमेंट होंगे। अभी तक हम कह रहे थे कि जितने भी हमारे पास कॉफिशियंट्स हैं वो रिंग आर के एलिमेंट्स हैं, लेकिन अब हम कहने लगेंगे कि ये फील्ड एफ के एलिमेंट हैं, तभी हम कह सकते हैं कि यह जो हमारे पास पॉलीनोमियल का यह सेट डिफाइन किया गया है, यह सेट ही कहलाता है पॉलीनोमियल रिंग ओवर ए फील्ड एफ, ठीक है। तब इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं, देन, ठीक है, देन दिस, ठीक है, देन दिस सेट, तब इस सेट को हम क्या कहेंगे, देन दिस सेट एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, हम क्या कहेंगे, रिंग ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है, रिंग ऑफ
पॉलिनोमियल्स ठीक है ओवर ए फील्ड एफ, ठीक है। और अगर यही हमारे पास जो यह सेट बन रहा है, अगर यह पॉलिनोमियल एडिशन एंड पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग के सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने लगता है तो इसी को ही हम कहते हैं पॉलिनोमियल रिंग ओवर ए फील्ड एफ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो हमारे पास सेट कहलाने लगता है, ये हमारे पास कहलाता है इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर अभी हम सेट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, ये अभी हम केवल सेट का फॉर्मेशन किए हैं, ठीक है। अब अगर रिंग के फॉर्मेशन पर बात किया जाए तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि दिस सेट, यह हमारे पास सेट जो है एफ ऑफ एक्स, जिसे हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड सेट ऑफ ऑल, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड एफ इज फॉर्म, ठीक है, इज फॉर्म्स, दिस सेट फॉर्म्स ए रिंग, या क्या करता है, एक रिंग का फॉर्मेशन करता है विथ रिस्पेक्ट टू, विथ या अंडर भी लिखा जा सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू रिंग ऑफ एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एंड मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आपको बातें समझ में आई, मैंने क्या बोला, मैंने यह बोला कि हमारे पास एक सेट है और वह सेट कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, ठीक है, और इस सेट को हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पर हमारे पास यफ जो है वह फील्ड को डिनोट करता है। तब इस सिचुएशन में यह जो हमारे पास सेट होता है, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड यफ, और यह अगर पॉलिनोमियल एडिशन एंड पॉलिनोमियल मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग्स का फॉर्मेशन करता है, तब इस सेट को ही हम कहने लग जाते हैं कि यह हमारा जो सेट है यह कहलाता है रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड एफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देन दिस रिंग, यह जो हमारे पास रिंग होगा इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल रिंग, ठीक है, पॉलिनोमियल रिंग ओवर ए फील्ड एफ, ठीक है, ओवर ए फील्ड एफ, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब यहाँ पर आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका प्रूफ कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। अगर पूछा भी जाता है तो सिमिलरली जैसे मैंने पिछला वाला प्रूफ कराया था, सेम उसी स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाएंगे, आपके प्रूफ होते चले जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा, वहाँ पर जहाँ जहाँ पर मैंने रिंग को बोला है, वो यहाँ यहाँ पर हम उसे फील्ड बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है, और सेम प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, सब कुछ सेम है। तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके प्रूफ पर हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाद चलिए हम इसमें एक थ्योरम पर बात करना शुरू करते हैं। तो चलिए अब एक थ्योरम पर हम बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा थ्योरम। इस थ्योरम में हम कुछ जनरल सी चीज़ों पर बात करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी अपने लोअर क्लासेस में उपयोग करते आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लेट हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स एंड हमारे पास एक जी ऑफ एक्स दो एलिमेंट्स हैं और नॉन एम्प्टी, ठीक है, और नॉन एम्प्टी ऐसा नहीं, नॉन जीरो लिख लेते हैं, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन जीरो एलिमेंट्स इन एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल रिंग बन रहा था ओवर ए फील्ड एफ, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, इसके हम दो एलिमेंट्स को ले लिए, ठीक है। देन तब इस सिचुएशन में
हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से क्या करा रहे हैं, पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, तो इनका जो हमारे पास डिग्री होता है, क्या होता है, जो डिग्री होता है वह हमारे इस एफ एक्स के डिग्री और प्लस इस जी एक्स के डिग्री के सम के बराबर होता है। ये हमें बात प्रूव करनी है। कहने का क्या मतलब है, इसको अगर हम नॉर्मल लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसे कर लेते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स के बराबर है, जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, सपोज करने में क्या जाता है, ठीक है। इनका अब हमने अगर इसके हम डिग्री पर बात करते हैं तो डिग्री वन हो गया, इसके डिग्री पर बात किया जाए तो टू हो गया, ठीक है। अब इनका क्या करिए, मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इसका डिग्री कितना हुआ, तीन हो गया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन कराया तो एक्स क्यूब मिला, एक्स क्यूब का हमारे पास डिग्री थ्री हो गया, और यह जो डिग्री थ्री है वह इनके अकेले अकेले का सम के बराबर ही है। यही बात हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव होगा, आइए बात करते हैं। यहाँ पर हम जनरल टर्म्स पर बात करेंगे, ठीक है। ये तो एक स्पेसिफिक टर्म हुए जो कि क्लास लोअर क्लासेस में ही बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं, इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कैसे होगा प्रूफ। लेट सपोज करते हैं सबसे पहले दो एलिमेंट्स को एफ ऑफ एक्स जो कि कुछ इस प्रकार से है, ए नॉट प्लस हमारे पास आ जाएगा ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए एम ले लेता हूँ, ए एम एक्स रेज टू द पावर एम, ठीक है। दूसरा हमारे पास जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स में कुछ इस प्रकार से मैं एलिमेंट्स को ले लेता हूँ, बी जीरो बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस बी एन ले लेता हूँ, बी एन एक्स रेज टू द पावर एन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हियर यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि हमारे पास ये जो टर्म्स हैं इनमें सबसे पहली बात तो कोफिशियंट्स जो हमारे पास हैं वो फील्ड एफ से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो सेट हमने लिया है, जो हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, जो हमारे पॉलिनोमियल्स डिफाइन हैं, इनमें हम एक टर्म्स को फिक्स करेंगे। कहने का ये मतलब है जैसे एक्स लिया था, एक्स स्क्वायर मैंने लिया था, तो उसमें हमारे पास जो कोफिशियंट्स थे वो जीरो नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए हम मान कर चल रहे हैं कि जो ये मैंने पॉलिनोमियल डिफाइन किया है उसका यह जो हाईएस्ट जो नंबर है, जो हाईएस्ट टर्म है, उसका कोफिशियंट जीरो नहीं है, यह हम मानकर चल रहे हैं, ठीक है। तो हियर यहाँ पर ए एम, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर जो हमारे पास बी एन है वह भी नॉट इक्वल टू जीरो है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इनके डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर जीरो कर देते तब तो डिग्री हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, ये जनरल के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देन, तब इस सिचुएशन में हमारे पास जो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा एम, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एन, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक था, कुछ भी मैंने काम नहीं किया, आप लोग समझ के होंगे, अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं। सो अगर हम f ऑफ x और g ऑफ x का पॉलिनोमियल मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं, तो हम जानते हैं पॉलिनोमियल मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कि हमारे पास आ जाएगा c नॉट प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस cl सपोज कर लेता हूँ, ठीक है, cl x रेज टू द पावर l हो जाएगा। जहाँ पर अगर हम cl पर बात करते हैं, ठीक है, तो यह क्या होता है, समेशन m प्लस n इज इक्वल टू l हो जाएगा, और यहाँ पर am bn हो जाएगा, ठीक है।
ये बातें हम लोग मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत किए हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी हम जितने भी लेक्चर्स पिछले लेक्चर्स को प्रोवाइड किया हैं वहाँ पर भी इन चीज़ों को डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो बात किया जाए अगले स्टेप पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारे पास टर्म हुआ, ठीक है, तो हियर, ठीक है, हियर अगर हम इस पर बात कर रहे हैं, इस पर, ठीक है, तो हियर द हाईएस्ट टर्म क्या हो जाएगा, हाईएस्ट टर्म, ठीक है, हाईएस्ट टर्म हमारे पास क्या होगा। ये तो हमारे पास जनरल के लिए बात किया जा रहा है, यानी कि हम यल को बदलते जाएंगे तो हमारे पास ये अलग अलग कॉफिशियंट्स के लिए बात होने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक टर्म के लिए बात कर रहे हैं तो हियर हाईएस्ट टर्म यही होगा, तो हियर द हाईएस्ट टर्म इज क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ए एम बी एन और एक्स रेज टू द पावर एम प्लस एन हो जाएगा। यही हमारे पास हाईएस्ट टर्म है और इसके लिए यह हमारे पास हाईएस्ट टर्म है, ठीक है। तो देन अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के लिए, तो इसका डिग्री क्या हुआ, यल हुआ, यही तो हुआ, क्या हुआ, यल हुआ। अब हमें प्रूव करना है कि यह जो यल है वह यम प्लस यन के ही बराबर है, और वैसे भी अगर इनको हम कंपेयर करते हैं तो यह बात हमारे पास एकदम क्लियर रूप से मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सो दैट, ठीक है, सो दैट हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यल इज इक्वल टू यम प्लस यन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी यम प्लस यन को हम यल इज इक्वल इसके डिग्री के बराबर नहीं रख सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यह यल यम प्लस यन से बड़ा ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास इसका जो डिग्री है वह यम प्लस यन के बड़ा हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ चीज़ों पर बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे करेंगे, अगर यहीं पर छोड़ देते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा और भी डिटेलिंग में जा रहे हैं। नाउ अगर हम फॉर ऑल, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक आई टर्म ले रहे हैं जो कि यम से बड़ा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में चूंकि हमने बोल दिया है कि इस एफ एक्स का जो डिग्री है वो यम के बराबर है, यानी कि अगर यम से बड़े जितने भी हमारे पास इसमें टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, जीरो होंगे, उनके कोफिशियंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ए आई इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली पर अगर बात किया जाए तो सिमिलरली अगर बात किया जाए तो इसमें भी बात किया जा रहा है। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि जे कोई टर्म है जो कि यन से बड़ा है, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास जितने भी बी जे होंगे वो सभी के सभी जीरो के बराबर होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देन अगर हम एक टर्म को ले रहे हैं जो कि यल है, ठीक है, और यह यल जो है वो m प्लस यन से क्या है, बड़ा है। अगर हम सपोज कर ले रहे हैं कि ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस सिचुएशन में चूंकि हमने बोल दिया है कि इसका डिग्री तो m प्लस यन ही है, और अगर हमने यल को m प्लस यन से बड़ा ले लिया तो जितने भी हमारे पास सी एल होंगे वो सभी के सभी जीरो होने लग जाएंगे। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो यल है वो यम प्लस यन के ही बराबर होगा, और यह बात मैंने ऑलरेडी बोला है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो हमारे पास है वह क्या है, यल के बराबर है। यल जो है वो एम प्लस यन के बराबर है, और यम अगर यन पर बात किया जाए तो यम हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ एफ एक्स है, ठीक है, एंड प्लस हमारे पास यन क्या है, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स है। और यही तो बात हमें प्रूव करना था कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, उसका अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो इसका जो डिग्री होगा वह डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स के प्लस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स के बराबर होता है। और इस प्रकार हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। तो आप लोग इतनी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए,
ठीक है। अगर इसके बाद हमें इस लेक्चर में थोड़ा और समय मिलता है तो अगले टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, अदरवाइज इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आप तो चलिए अब अगले कुछ पॉइंट्स पर हम बात करते हैं जिनके प्रूफ आपके एग्ज़ाम में आते नहीं है, तो इन्हें हम बस रिमार्क के तौर पर या कोरोलरी के तौर पर या फिर कुछ पॉइंट्स के तौर पर आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगले कुछ लेक्चर्स में हम इनका उपयोग भी कर लें, या फिर हो सकता है आपका एग्ज़ाम अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होंगे तो वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या होता है ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है किसी भी रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड एफ के दो एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तब इस सिचुएशन में क्या ध्यान रखना है कि अगर इस एफ ऑफ एक्स के हम डिग्री पर बात करते हैं, क्या करते हैं, इसके अगर हम डिग्री पर बात करते हैं तो यह जो डिग्री होता है वह लेस और इक्वल होता है डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स के, क्या होता है, बराबर, मतलब इससे छोटा या इसके बराबर हो सकता है, ये बात ध्यान रखना है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो सिंगलटन एलिमेंट्स हैं, सिंगलटन कहने का मतलब जो अकेले अकेले एलिमेंट्स हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो हैं वो अकेले अकेले अगर हम लेते हैं तो इनका जो डिग्री होगा वो इनके प्रोडक्ट के डिग्री से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, या तो उससे छोटा ही होगा या तो उसके बराबर ही हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना है। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो ओ आर आर जो हमारे पास जी ऑफ एक्स होगा उसका जो डिग्री होगा वह इसके डिग्री से क्या होगा, छोटा या इसके बराबर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि दोनों ही हमारे एलिमेंट्स पर अप्लाई होता है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले कुछ कोरोलरीज पर, यानी कि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पर ऐसे लिख लेते हैं। सपोज करते हैं कि इफ एफ इज ए फील्ड, मैंने क्या बोला कि हमारे पास एफ जो है वह क्या है, एक फील्ड है, तब इस सिचुएशन में हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास जो f ऑफ x होता है वो रिंग का फॉर्मेशन तो करता ही है, हम लोग जानते ही हैं, लेकिन यह क्या करता है, कुछ और भी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने लगता है, यानी कि कम्यूटेटिव के भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यूनिटी के भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और अपने नॉन जीरो या विदाउट जीरो डिवीजर का भी कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, तब इस प्रकार यह बन जाता है इज एन इंटीग्रल डोमेन, क्या बन जाता है, इंटीग्रल डोमेन। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये वाला लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर हमारे पास एफ जो है वह एक फील्ड है तो हमेशा याद रखिएगा अगर एफ फील्ड है तो यह जो होगा वह एक इंटीग्रल डोमेन बनता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो लाइन है वो याद रखना है, ये वो कुछ इस प्रकार से है, क्या है कि अगर इफ एफ इज ए फील्ड, अगर हमारे पास एफ जो है वह एक फील्ड है तब इस सिचुएशन में देन एफ ऑफ एक्स जो होगा कैन नॉट बी फील्ड, मैंने क्या बोला, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, मैंने बोला कि f अगर फील्ड है तो f ऑफ x जो होगा वो इंटीग्रल डोमेन होगा, ये तो 100% गारंटी है, लेकिन f जो है वो अगर फील्ड होगा तो हमारे पास f ऑफ x जो है वो फील्ड नहीं हो सकता, कुछ सिचुएशन में हो सकता है, कुछ सिचुएशन में नहीं हो सकता, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस या चांसेस होंगे कि नहीं होगा, लेकिन ये लाइन आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इतनी चीज़ों का फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम अपने डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ बढ़ेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम को कंप्लीट करने के बाद डिवीजन एल्गोरिथम में हम वही डिस्कशन करेंगे जैसे नॉर्मल लेवल पर हम डिवीजन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पॉलिनोमियल डिवीजन पर बात करेंगे और साथ ही साथ इसे हम जनरल लेवल पर बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा टॉपिक वो भी है, तो उसे भी हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें और उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पर अब हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को पूरा पॉलिनोमियल रिंग आपको पूरी तरीके से समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो ज़रूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।